नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज राज केवड़िया। वहाँ बात करेंगे DFCCIL के एग्जाम शेड्यूल के बारे में। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक जारी हो चुका है DFCCIL की एग्जाम डेट, मतलब कौन से डेट में कौन सा एग्जाम होगा, कौन से शिफ्ट में कौन सा एग्जाम होगा, ये सभी कुछ अब जारी हो चुका है। तो सबसे पहले देखिएगा, 27 तारीख का एग्जाम शेड्यूल आ चुका है जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड SNT। अगर आपने इसका एग्जाम फिल किया है तो 7 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम है, 8 बजे गेट आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल Shift 2, 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, 12 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, मतलब है 12 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है शिफ्ट, देखिएगा Shift 2 में होगा। और उसके बाद 28 तारीख में देखिएगा, 28 तारीख के जो एग्ज़ाम है उसको देख लीजिएगा। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD Shift 1 7 बजे, 8 बजे क्लोज हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल Shift 1 में होगा, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD Shift 2 में होगा, और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल Shift 2 में, ऑपरेशन BD फिर से होगा Shift 3 में। मतलब उसी दिन 28 को 2 बार होगा ऑपरेशन BD का एग्जाम। उसके बाद 29 तारीख को देखिएगा एग्जीक्यूटिव सिविल Shift 1, एग्जीक्यूटिव SNT Shift 2, उसके बाद देखिएगा जूनियर मैनेजर Shift 3, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल Shift 3। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 29 तारीख का मैंने बता दिया। आप 30 तारीख को देखिएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD Shift 1 में होगा, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन BD Shift 1 में होगा। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव Shift 2 में भी होगा ऑपरेशन BD वाला, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल Shift 3, मतलब Shift 3 जो होगा 3 से 4, 4 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। 4 बजे ये गेट क्लोजिंग होने का टाइम दिया है और रिपोर्टिंग टाइम आपको बता दिया गया। तो आपको ये आइडिया हो गया कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। और जो एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट है कि लिंक फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल भी, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। और इसके लिए रेगुलर आप वेबसाइट को विजिट करते रहिए इनके, वहाँ पे आपको सारा कुछ पता चलते रहेगा। और से हम भी ये आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।